बलराम जी की सलाह से सबका समंत पंचक में जाना तथा वहां भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध का आरंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जन्मेजय इस प्रकार होने वाले उस तुमुल युद्ध की बात सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने संजय से पूछा, सूत, गदा युद्ध के समय बलराम जी को उपस्थित देख मेरे पुत्र ने भीमसेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, महाराज, बलराम जी को वहां उपस्थित देख दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। राजा युधिष्ठिर तो उन्हें देखते ही खड़े हो गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पूजन करके बैठने को आसन दे कुशल समाचार पूछने लगे। तब बलराम जी ने उनसे कहा, राजन, मैंने ऋषियों के मुंह से सुना है कि कुरुक्षेत्र बड़ा पवित्र तीर्थ है, वह स्वर्ग प्रदान करने वाला है। देवता, ऋषि तथा महात्मा, ब्राह्मण सदा उसका सेवन करते हैं। वहां युद्ध करके प्राण त्यागने वाले मनुष्य निश्चय ही स्वर्ग में इंद्र के साथ निवास करेंगे। इसलिए हम लोग यहां से समंत पंचक क्षेत्र में चलें। वह देवलोक में प्रजापति की उत्तरवेदी के नाम से विख्यात है। वह त्रिभुवन का अत्यंत पवित्र एवं सनातन तीर्थ है। वहां युद्ध करने से जिसकी मृत्यु होगी, वह अवश्य ही स्वर्ग लोक में जाएगा। बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने बलराम जी की आज्ञा स्वीकार की और वे समंत पंचक क्षेत्र की ओर चल दिए। राजा दुर्योधन भी हाथ में बहुत बड़ी गदा ले पांडवों के साथ पैदल ही चला। उस समय शंखनाद होने लगा, भेरियां बज उठी और शूर वीरों के सिंहनाद से संपूर्ण दिशाएं भर गईं। तत्पश्चात वे सब लोग कुरुक्षेत्र की सीमा में आए, फिर पश्चिम की ओर आगे बढ़कर सरस्वती के दक्षिण किनारे पर स्थित एक उत्तम तीर्थ में पहुंचे। वही स्थान उन्हें युद्ध के लिए पसंद आया। फिर तो भीमसेन कवच पहनकर हाथ में बड़ी नोक वाली गदा ले युद्ध के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन भी सिर पर टोप लगाए सोने का कवच बांधे भीम के सामने डट गया। फिर दोनों भाई क्रोध में भरकर एक दूसरे को देखने लगे। दुर्योधन की आंखें लाल हो रही थी। उसने भीमसेन की ओर देखकर अपनी गदा संभाली और उन्हें ललकारा। भीम ने भी गदा ऊंची करके दुर्योधन को ललकारा। दोनों ही क्रोध में भरे थे। दोनों की गदाएं ऊपर को उठी थी और दोनों ही भयंकर पराक्रम दिखाने वाले थे। उस समय वे राम रावण और बाली सुग्रीव के समान जान पड़ते थे। तदनंतर दुर्योधन ने कैकेयी, संजय और पांचालों तथा श्री कृष्ण, बलराम एवं अपने भाइयों के साथ खड़े हुए युधिष्ठिर से कहा, मेरा भीमसेन के साथ जो युद्ध ठहरा हुआ है, उसको आप सब लोग पास ही बैठकर देखिए। दुर्योधन की इस राय को सबने पसंद किया। फिर सब लोग बैठ गए। चारों ओर राजाओं की मंडली बैठी और बीच में भगवान बलराम जी विराजमान हुए, क्योंकि सब लोग उनका सम्मान करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, यह प्रसंग सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संजय से कहा, सूत, जिसका परिणाम इतना दुखद होता है, उस मानव जन्म को धिक्कार है। मेरा पुत्र 11 अक्षौहिणी सेना का मालिक था। उसने सब राजाओं पर हुक्म चलाया, सारी पृथ्वी का अकेले उपभोग किया, किंतु अंत में यह हालत हुई कि गदा हाथ में लेकर उसे पैदल ही युद्ध में जाना पड़ा। इसे प्रारब्ध के सिवा और क्या कहा जा सकता है? संजय ने कहा, महाराज, आपके पुत्र ने मेघ के समान गर्जना करके जब भीम को युद्ध के लिए ललकारा, उस समय अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ आंधी चलने लगी, धूल की वर्षा शुरू हो गई और चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। आकाश से सैकड़ों उल्काएं टूट-टूट कर गिरने लगीं। बिना अमावस्या के ही सूर्य पर ग्रहण लग गया। वृक्षों तथा वनों के साथ धरती डोलने लगी।
पर्वतों के शिखर टूट-टूट कर जमीन पर पड़ने लगे। कुओं के पानी में बाढ़ आ गई, किसी का शरीर नहीं दिखाई देता, तो भी देहधारी किसी आवाजें सुनाई पड़ती थी। इन सब अपशकुनों को देखकर भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भैया, आपके हृदय में जो कांटा कसकता रहता है, उसे आज निकाल फेंकूंगा। इस पापी को गदा से मारकर इसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डालूंगा। अब यह पुनः हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं करने पाएगा। इस दुष्ट ने मेरे बिछौने पर सांप छोड़ा, भोजन में विष मिलाया, प्रमाण कोटी में ले जाकर मुझे पानी में गिरवाया, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न किया, सभा में हंसी उड़ाई, हम लोगों का सर्वस्व छीना तथा इसी के कारण हमें वनवास एवं अज्ञातवास का कष्ट भोगना पड़ा। आज सबका बदला चुकाकर मैं उन दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा। इसे मारकर अपनी आत्मा का ऋण चुकाऊंगा। इस दुष्ट की आयु पूरी हो गई है। अब इसे माता-पिता का दर्शन भी नहीं मिलेगा। आज यह कुल कलंक अपने राज्य, लक्ष्मी तथा प्राणों से हाथ धोकर सदा के लिए जमीन पर सो जाएगा। यह कहकर महापराक्रमी भीमसेन गदा ले युद्ध के लिए डट गए और दुर्योधन को पुकारने लगे। दुर्योधन ने भी गदा ऊंची की। यह देख भीमसेन पुनः क्रोध में भरकर बोले, दुर्योधन, वारणावत में राजा धृतराष्ट्र ने और तूने जो पाप किए थे, उन्हें आज याद कर ले। तूने भरी सभा में रथस्वला द्रौपदी को जो कलेश पहुंचाया था, जुए के समय तूने और शकुनी ने मिलकर जो राजा युधिष्ठिर के साथ वंचना की, उन सबका बदला चुकाऊंगा। खुशी की बात है कि आज तू सामने दिखाई दे रहा है। तेरे ही कारण पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण तथा शल्य जैसे वीर मारे गए। तेरे भाई तथा और भी बहुत से क्षत्रिय यमलोक पहुंच गए। सबसे पहले वैर की आग लगाने वाला शकुनी और द्रौपदी को दुख देने वाला प्रातिकामी भी चल बसा। अब तू ही रह गया है, इसलिए तुझे भी इस गदा से मौत के घाट उतारूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, भीमसेन ने ये बातें बड़े जोर से कही थी। इन्हें सुनकर आपके पुत्र ने बेधड़क जवाब दिया, वृकोदर, इतनी शेखी बघारने से क्या होगा? चुपचाप लड़ाई कर, आज तेरा युद्ध का सारा हौसला मिटाए देता हूँ। दुर्योधन को तू दूसरे साधारण लोगों के समान मत समझ, यह तेरे जैसे किसी भी मनुष्य की धमकी से नहीं डरता। मैं तो इसे सौभाग्य समझता हूँ। मेरे मन में बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि तेरे साथ गदा युद्ध होता, सो आज देवताओं ने उसे पूर्ण कर दिया। अब बहुत बड़बड़ाने से कोई लाभ नहीं। पराक्रम के द्वारा अपनी वाणी को सत्य करके दिखा, विलंब ना कर। दुर्योधन की बात सुनकर सबने उसकी प्रशंसा की और भीमसेन गदा उठाकर बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। दुर्योधन ने भी गर्जना करते हुए आगे बढ़कर उनका सामना किया, फिर दोनों दो सांडों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। प्रहार पर प्रहार होने लगा। उस समय गदा की चोट पड़ने पर वज्रपात के समान भयंकर आवाज होती थी। दोनों खून से नहा उठे। उनके रक्त रंजित शरीर खिले हुए ढाक के वृक्षों जैसे दिखाई देने लगे। लड़ते लड़ते दोनों ही थक गए। फिर दोनों ने घड़ी भर विश्राम किया। इसके बाद दोनों ही अपनी अपनी गदाएं उठाकर आपस में युद्ध करने लगे।